वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड गैलरी। आज के इस वीडियो सीरीज में आप लोग का स्वागत है। हम लोग देखेंगे आज परसेंटेज। देखो, परसेंटेज ऐसा चैप्टर है जो आपको बैंक, एसएससी, रेलवे, इवन और भी जो बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं, सीडीएस, इन सारे एग्ज़ाम्स में परसेंटेज का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि आप अगर इस चीज़ को नहीं समझते हो परसेंटेज को, तो आपसे डीआई होगा ही नहीं, डीआई नहीं होगा। और डीआई ऐसा है कि ये तो अब बैंक में लगभग 25 मार्क्स से आ जाते हैं, और मेंस में तो ये डीआई पूरा का पूरा डीआई ही रहता है, ठीक है। इसलिए आप परसेंटेज के पूरे कॉन्सेप्ट को समझो, इसका क्या ज़रूरत है, कैसे कैसे इसका एप्लीकेशन होता है, ठीक है। उन सारे चीज़ में मैं बात करूँगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा कि परसेंटेज होता क्या है, ठीक है। और फास्ट कैलकुलेशन जिसको बोलते हैं, परसेंटेज का अगर फास्ट कैलकुलेशन बोला जाए, ठीक है, वो कैसे होता है वो आज आप देखोगे, ठीक है। अब वीडियो शुरू से एंड तक पूरा देखो, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। नहीं समझ में आया ऐसा कुछ बात ही नहीं होगा, पूरा वीडियो देखो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक है। देखो, परसेंटेज का यूज़ क्या है। अब जैसे आप हो और आपके साथ कोई और आपका साथी हो, ठीक है, अगर बोला जाए कि दोनों में खर्चीला कौन है, ठीक है, ये एक है और ये दो है, दोनों में अगर बोला जाए खर्चीला कौन है, तो आप बोलोगे खर्चीला कैसे पता चलेगा। मान लो इसके पास 200 रुपये हैं, ठीक है, इसके पास 100 रुपये हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या करता है, इसमें 60 रुपये खर्चा करता है ये, ठीक है, मतलब इन्वेस्ट करता है 60 रुपये। और जो दूसरा आपका साथी है, साथी बोलो जो भी बोलो, एक दूसरा बंदा जो है वो 30 रुपये खर्चा करता है, ठीक है। और अगर आपको ये डाटा दे के पूछा जाए और आपके पास परसेंटेज का कोई नॉलेज ना हो, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इसमें दोनों में खर्चीला कौन है, ठीक है। लेकिन जब आप परसेंटेज क्लास बढ़िया से समझोगे, ठीक है, कि परसेंटेज आखिर होता क्या है, रियल लाइफ में इसका यूज़ क्या है, तब आपको इस टाइप के क्वेश्चन बनाने में मज़ा भी आएगा, ठीक है। जब तक आप मैथ्स में, क्या है, मैथ्स में आप लोग का इंटरेस्ट क्यों नहीं जागता, क्योंकि आप लोग को लगता ही नहीं कि सब कुछ यूज, बस आप लोग जानते हो बैंक में ऐसा ही ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है, एसएससी में ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे बनाते हैं, वो ठीक है, आपको कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो अप्रोच भी सही है। लेकिन अगर आप समझ जाओगे रियल लाइफ में उसका क्या यूज़ है आखिर, तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। अगर आपके पास परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आ गया, आया कैसे, जब आप पढ़ोगे, ठीक है, देखो 200 में वो 60 रुपये खर्चा करता है। परसेंटेज क्या होता है, रेट होता है, मतलब रेट मतलब 100 रुपये में, चाहे अगर 100 यूनिट बोल लें, 100 रुपया नहीं बोल के अगर 100 यूनिट बोल लें, ठीक है, उसमें वो कितना खर्चा किया। अगर 100 यूनिट में वो 50 खर्चा किया, 50 यूनिट खर्चा कर दिया, वो जैसे भी आप यूनिट को जो भी ले लो, पैसा ले लो, काम ले लो, जो भी लो, 100 में अगर 50 वो खर्चा कर दिया, तो अगर इसका परसेंटेज बोलोगे तो कितना होगा। देखो टोटल 100 यूनिट है तो ये तो 100% होगा, ठीक है, क्योंकि रेट जो होता है वो 100 के टर्म्स में निकलता है। रेट का डिफिनेशन यही है कि पर 100 कैलकुलेट होता है, तो 50 जो है ये 50% हो जाएगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पर 100 यूनिट ही लिया हुआ है। इसी चीज़ को अप्लाई करते हैं, यहाँ पे 200 है, इस 200 को 100 बना देते हैं। 100 कैसे बनाएंगे, इसमें से 200 इसका हाफ कर देंगे, हाफ जैसे ही करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। जब उसका हाफ किए तो खर्चा भी तो हाफ करेंगे ना, तो ये भी 100 आ जाएगा और 30 आ जाएगा। अब देखो जो दूसरा बंदा था वो भी 100 रुपये ही इन्वेस्ट था उसके पास, उसमें से 30 रुपये खर्चा किया, तो दोनों में अगर खर्चीला अब आपको पूछा जाए तो आप तुरंत बता दोगे दोनों बराबर खर्चा करता है, कोई ना कम करता है ना कोई ज़्यादा करता है, ठीक है। इसी चीज़ को
परसेंटेज बोलते हैं, पर 100 जब आप कैलकुलेट करते हो तो वो आपका परसेंटेज कहलाता है, ठीक है। पर जहाँ लग गया, समझ लो यहाँ पर अगर परसेंटेज है तो यहाँ पर 100 होगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझे? अब देखो फास्ट कैलकुलेशन किसको बोलते हैं। देखो ये सब चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगा, आप जितना करोगे उतना ज़्यादा क्लैरिटी बनेगा। अब मैं बोलूँ कि आप 200 का 100% निकालो, ठीक है, 200 का 100%, तो आप तुरंत बोलोगे 200। क्यों? क्योंकि 200 बराबर मैंने 100% पहले ही बोल दिया है। 200 का जब 100% मतलब कि उसमें कुछ भी इधर उधर नहीं हो रहा है, मतलब एग्जैक्ट आपको 200 का 100% ही बोलना जा रहा है निकालने, तो 200 ही होगा, ठीक है। अगर हम इसका बोले कि आप 99% निकालो, ठीक है, 99% ऑफ 200, तो यहाँ पर 1% कम हो गया, तो 1% का कैलकुलेशन कैसे होगा वो देखो आप। 1% उसका कैलकुलेशन कैसे होगा आखिर देखो, मैं पूरा आपको कैलकुलेशन फास्ट कैसे होता है वो बता देता हूँ। ये 200 है, इसको 100% बोलते हैं, ठीक है। अब 50% कितना होगा, इसका आप हाफ कर दोगे तो 100, ठीक है, ये 50 हो गया। 50 हुआ तो आप 1/2 किए, ठीक है, मतलब आप 1/2 किए। अब जब मैं आपको बोलूं कि आप 10% निकालो, 10% निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1/10 करोगे, ठीक है। आप 50 के लिए 1/2 किए, कैसे किए, 50/100, परसेंट का मतलब क्या होता है, पर 100, तो ये 1/2 दिया आपको, ठीक है। 10% बोले तो आप 10/100 किए, तो ये आपको 1/10 दिया, ठीक है, सॉरी परसेंट नहीं, 1/10 दिया। तो 10% जब निकालने बोले तो आप इसका, सॉरी आपका 100% ये है 200, आप उसका 1/10 करो तो कितना आ जाएगा, 20, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं और आगे बढ़ाऊँ, अगर मैं बोलूँ कि आप 1% निकालो, ठीक है, 1% कितना होता है, 1% बराबर 1/100, ठीक है, तो आप 200 का 1/100 करोगे, मतलब कि 200 × 1/100 जब करोगे तो ये आ जाएगा 2। ये आपको आना चाहिए समझ में, ठीक है। ये था फास्ट कैलकुलेशन का अगर कॉन्सेप्ट बोला जाए तो यहीं से बिल्ड होगा, ठीक है, ये आप हो गया। अब इस चीज़ को जल्दी कैसे करोगे, 200 अगर 100% है तो अगर मैं बोलूँ कि 10% निकालो तो यहाँ पर 1 0 कम हुआ, तो आप इधर से भी 1 0 कैंसिल कर लो तो 20 आ गया। अब मैं 1% बोल रहा हूँ तो आप यहाँ पर देख रहे हो 100 से 1% आने में 2 0 इधर कैंसिल हुआ, तो 200 से भी आपको 1% निकालना है तो आप इधर से भी 2 डिजिट कैंसिल कर लो, कैंसिल कर लो मतलब उसके बाद डेसिमल लगा दो तो आपका 1% निकल जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप वीडियोस में आगे बढ़ते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। देखो अब देखो क्वेश्चन क्या था, 99% ऑफ 200, तो यहाँ पर 1% कम हो रहा है, हम इसको लिख सकते हैं ना 100 − 1%, ठीक है। 100% हमको पता ही है 200 होता है, ठीक है, और −1% −1%, तो 200 का 1% कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला आपका जो बताया था आपको फास्ट कैलकुलेशन वो आप ध्यान रखो। देखो 200 100%, 10%, 20 2 1%, तो 1% 2 है तो ये 198, ठीक है, 99% ऑफ 200 198 आ गया।
अब देखो इसको एप्लीकेशन इसका तरह तरह से होगा। जब आप 20% निकालिए, अगर आपसे बोला जाए कि आप 21% निकालो, ठीक है 21% निकालो, 21% आप क्या करोगे, 20% प्लस 1%, या कोई 21% हो जाएगा ना, तो 20% मेरा कितना है, तो अब 20% है कितना, 10% 20 है, तो 20% उसका डबल होगा 40, ठीक है। और 1%, 1% का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, 2, तो 42, ठीक है 21% 42 आ गया। अगर आपको बोला जाए आप 25% निकालो, 200 का 25%, 25% जब आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो ये आ जाएगा 1/4। 1/4 कैसे आया ये भी देख लो। जब समझ रहे हो तो आप समझने में पूरा टाइम लगा, लेकिन अब जब समझ गए तब आपसे एप्लीकेशन तुरंत होना चाहिए, ठीक है। तो 25/100 हो गया, ठीक है, तो ये आपको 1/4 देगा। तो 25% 1/4 होता है, तो 200 का हम जब 25% बोल रहे हैं तो 200 का भी 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझे। अब देखो क्वेश्चंस, इसके परसेंटेज कैसे कैसे जल्दी कैलकुलेट होता है, आपको इतना ज़्यादा फास्ट अप्रोच हो जाएगा कि आप मन में ही सारा कैलकुलेशन कर लोगे परसेंटेज का, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 99% ऑफ 640। बहुत कोई को लग रहा होगा कि 640 बहुत बड़ा नंबर है, और जो कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लिया मैंने, जो बताया 10% 1% निकालना जल्दी जल्दी, तब ये बोलेंगे इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये अप्रोच सबको डेवलप करो, ठीक है। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम को फोकस कर रहे हो तो ये सब चीज़ आपको आना चाहिए, ठीक है, तभी आपका डीए स्ट्रांग होगा। 99% में 1%, 100 से 1% कम है, 1% कितना हो जाएगा, 6.40, ठीक है। मैंने पहले ही बोला 100% 640 देख लो, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में बढ़िया से आपको बता दे रहा हूँ। इसका अगर 1% बोला तो 2 जीरो के बाद डेसिमल लगाया, तो यहाँ भी 2 जीरो के बाद डेसिमल लगा दिया, मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया, तो 6.40, ठीक है। अब 640 में से 6.40 आप लेस करो, जब 640 में से 6.40 आप लेस करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 633.60, ठीक है। सब्ट्रैक्शन तो आपको जल्दी आना चाहिए, अगर आपको सब्ट्रैक्शन में भी दिक्कत है तो बोलोगे जैसे मैं, उस पर भी आपको फास्ट कैसे होता है वो मैं आपको बता दूंगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 76% ऑफ 640। अब तो यहाँ पर बहुत कोई फंस रहे होंगे कि डायरेक्ट 76 आ गया, इसमें फंसने का कुछ है ही नहीं। अब देख रहे होगे ये कि ये तो लगभग 25 गुना 3 हो रहा है, मतलब 75+1 हो रहा है, ठीक है, 75%+1% हो रहा है, ठीक है। ये 75 भी तो 25 का मल्टीपल है, तो मतलब कि जो 25% बराबर 1/4 लिखे थे तो 75 बराबर 3/4 लिखेंगे, ठीक है, ये चीज़ आप समझो। वेट करो, वीडियो को पॉज करो, बढ़िया से इस चीज़ को एक बार माइंड में अपना रिवाइज कर लो, ठीक है। 75% को 3/4 लिख सकते हैं, 3/4 जब लिखे तो 75% हमको निकल जाएगा, 640 का जब 3/4 निकला लेंगे तो ये हमको कितना देगा, 75%, ये कितना आ जाएगा, तो आप तुरंत बोलोगे तो ये तो 160 हो जाएगा, क्योंकि 16 चौके 64 होता ही है, तो 160, और 160 × 3 480, ठीक है। 480 में आपको और 1% चाहिए, 1% किसका, 640 का, 640 का 1% कितना, 6.40। अब आप इसमें 6.40 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 4
486.40, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। देखो कि आपको कौन सा उसमें परसेंटेज आता है, आपको 75 का आता ही होगा, 3/4 होता है। अब आप उससे एक बढ़ा लो, 1% और बढ़ा लो, आपको आगे निकल जाएगा 486.40, ये 76% हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगर आपको अब बोला जाए कि आप निकालो 51% ऑफ 640, मैं बेस नहीं बदल रहा हूँ क्योंकि आपको प्रैक्टिस कराना है मुझे, आगे आपको क्वेश्चंस में दूंगा आप उसको करोगे, लेकिन मैं आपको अभी प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ कि आपका अलग अलग अप्रोच होना क्या चाहिए। ये 51% है तो आप डायरेक्ट मन में ही सोच लो कि 50+1 है ये, तो ठीक है। इसका 50% कितना होगा, तो इसको बाई टू कर दोगे, बाई टू करोगे तो कितना हो जाएगा, 320, ठीक है, 320 हो जाएगा। और आपको 1% चाहिए, तो 1% जब ऐड करोगे, 1% कितना होगा, 6.40, ठीक है, इसमें आप 6.40 ऐड कर दोगे तो कितना दे देगा आपको, 326.40, ठीक है। ये अप्रोच आप धीरे धीरे बिल्ड करोगे, इसलिए मैं सोचा कि पहले आपको परसेंटेज का डिटेल्ड क्लास दे दूँ, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आता जाए कैसे इससे इसका एप्लीकेशन होता है। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूँ, 101% ऑफ 640, ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, ये आप देख रहे हो कितना है, 100+1 है, ठीक है, 100% कितना हो जाएगा, 640, और 1%, और 1% 6.40, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 646.40, ठीक है। अब देखो आपने अभी तक देखा सब प्लस वन ऐड हो रहा है, चाहे +2% ऐड हो रहा है। अगर आपको बोला जाए कि आपको बैक आना है, बैक भी आप कर लोगे, 49% ऑफ 640, मतलब 50-1%, ठीक है, तो 640 का 50% कितना हो जाएगा, पहले आप वो लिख लो, 320, ठीक है, उसमें से आपको 1% माइनस करना है, 1% कितना हो जाएगा, 6.40। अब इसको जब आप लेस करोगे तो आपको कितना देगा, 313.60। ये देखो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आसान है, अगर आपको ये नहीं हो रहा है तो आप बोलो तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है, ये भी आप क्लियर कर लो, ठीक है। अगर मैं आपसे और बोलूं, अब देखो 19% ऑफ 640, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 19% तो 20-1, ठीक है, तो 20% 640 कितना होगा, ये अब आप सोचने लग रहे होगे, तो आप इसका 10% निकालो, 10% कितना हो जाएगा, 64, 64 का डबल करो तो कितना हो जाएगा, 128, तो ये 20% आ गया, ठीक है, उसमें से आप ये 1% माइनस करो, 1% कितना है, 6.40, जब आप इसको लेस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 121.60, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है, आज मैं पार्ट वन में इतना ही रहने देता हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से फ़ायदा नहीं है, अब धीरे धीरे ही समझो, ठीक है। अभी आपके पास जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम है, अभी जैसे SBI PO है, तो आप धीरे धीरे ही चलो, लेकिन एक रेगुलर पेस में चलो, बहुत ज़्यादा एक ही दिन पढ़ने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, आप धीरे धीरे चलो। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो आप क्वेश्चंस बनाते रहो, अगर आपको दिक्कत होता है तो आप पूछो, ठीक है, और जो नए अभी स्टार्ट कर रहे हो उनके लिए बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था ये, अगर बोला जाए तो मेजर अगर कॉन्सेप्ट बोला जाए, क्योंकि परसेंटेज ऐसा है जो हर जगह आपको हर चैप्टर में यूज हो जाएगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं और इस पर डिटेल्ड बात करूँगा, ठीक है, ठीक है। ये वीडियो सीरीज आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि देखो हेल्प सबको होना चाहिए, ठीक है। और मेरे चैनल वर्ल्ड गैलरी को देखो।
वर्ल्ड गैलरी, ठीक है। आप इसको सब्सक्राइब करो, आप यूट्यूब में जैसे ही सर्च करोगे वर्ल्ड गैलरी लिखोगे तो एक पिंक कलर का राउंड सा ऐसा ऐसा करके आएगा, पिंक कलर का आएगा, लोगो आएगा। अब उसको, वो मेरा ही चैनल है वर्ल्ड गैलरी, आप उसको सब्सक्राइब करो। अब जैसे ही उसमें अंदर जाओगे तो आपको बैंक एस सी वर्ल्ड से नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, ठीक है। बैंक एस सी वर्ल्ड से प्लेलिस्ट मिलेगा, आप उसको देखो। मैं और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड किया हूँ, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक है। मेरा बस पर्पस है कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, इसी का और नेक्स्ट अप्रोच क्या हो सकता है परसेंटेज का, ठीक है। थैंक यू ऑल।